हेलो फ्रेंड्स, जब आप बातचीत करते हैं अपने दोस्तों से तो ज़रूर किसी न किसी की आप विशेषता करते हैं, उसके गुणों को आप बताते हैं। कैसे बात करते हैं, कैसे उसके गुणों की विशेषता कैसे किस अंदाज में बताते हैं? जैसे आपने मूवी देखने गए तो कैसे कहेंगे, हाउ इज़ द मूवी? उसका आंसर आएगा, इट्स रोमांटिक। हाउ इज शी? शी इज़ फाइन। हाउ इज़ द वेदर लाइक? इट इज़ प्लीजेंट, इट इज़ हेल्दी। अगर हम किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, किसी आदमी के बारे में बात करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो कैसे कहेंगे, काइंड अंकल, फनी किड, क्यूट बेबी, कनिंग बॉय। अगर हम किसी प्लेस की तारीफ करते हैं, किसी जगह की तारीफ करते हैं, तो कैसे बोलेंगे, ब्रॉड रोड, नैरो लेन, स्लिपरी फ्लोर, स्पेसियस हॉल, रिमोट आइलैंड। अगर हम किसी सिचुएशन की बात करते हैं, किसी टेम्परेरी सिचुएशन की बात करते हैं, तो कैसे कहेंगे, ही इज़ एंग्री, सी इज़ प्लीज्ड, ही इज़ हंग्री, ही इज़ बिजी, सी इज़ हैप्पी। अगर हम मूड्स के बारे में, दोस्तों के मूड्स के बारे में बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स के मूड्स के बारे में बात करते हैं, तो कैसे कहते हैं, एंग्री फेस, मूडी लेडी, हैप्पी माइंड, केयरलेस पर्सन। अगर हम जनरल में डिस्क्राइब किसी चीज़ को कहते हैं तो कैसे बोलेंगे, रैश ड्राइविंग, फाइनल मैच, डिससेटिस्फाइड पर्सन, ट्रामेटिक सिचुएशन। इन तमाम कलर्स की बात करते हैं, कलर्स को कैसे हम बात करेंगे, कलर्स के लिए हम बोलते हैं रेड आईज, ग्रीन ग्रास, रेड लिप्स, ब्लू आईज। डिस्क्राइबिंग जब हम करते हैं तो ing फॉर्म में भी डिस्क्राइब करते हैं, जैसे स्माइलिंग गर्ल्स, फेडिंग डिजायर्स, स्लीपिंग ब्यूटी, बोरिंग मूवीज। डिस्क्राइब करते हैं तो ed फॉर्म में भी आते हैं हम, जैसे एजुकेटेड बॉय, ह्यूमिलिएटेड पर्सन, सेटिस्फाइड कस्टमर, टैलेंटेड आर्टिस्ट। ये सब क्या है? हमने तारीफ़ की, हमने सिचुएशन के बारे में बताया, हमने मूड्स के बारे में बताया, हमने कलर्स के बारे में बताया। ये किसी पर्टिकुलर चीज़ को, नाउन या प्रोनाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है, उसमें ऐड कर रहा है। तो आज हमारा जो वीडियो है वो है एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव मीन्स डिस्क्राइबिंग वर्ड, एंड एडजेक्टिव इज़ द वर्ड यूज्ड विथ नाउन एंड प्रोनाउन टू ऐड इट्स मीनिंग। इट टेल्स नंबर और क्वान्टिटी, और रादर इट डिस्क्राइब्स पर्सन एंड थिंग्स। सिचुएशन जो होगा वो टेम्परेरी होगा या एग्जिस्टिंग होगा। कहने का मतलब यह है, एडजेक्टिव किसी व्यक्ति, नाउन या प्रोनाउन की ही विशेषता बताता है, उसके गुणों को बताता है। क्लियर? जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, सी इज़ अ डार्क गर्ल, समीक्षा इज़ अ टॉल गर्ल, कान्हा गेव मी 3 pen, ही इज़ अ हंग्री सिचुएशन, ही इज़ हंग्री। तो हम अलग से अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल वाइज एक एक करके हम बात करते हैं, सी इज़ अ डार्क गर्ल, तो शी यहाँ पे क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, डार्क आपका जो है कलर हो गया, एडजेक्टिव हो गया। समीक्षा इज़ अ टॉल गर्ल, समीक्षा अगेन नाउन हो गया, एंड टॉल आपका एडजेक्टिव हो गया। कान्हा गेव मी 3 pen, कान्हा नाउन हुआ, 3 आपका एडजेक्टिव हो गया। ही इज़ अ हंग्री सिचुएशन है, ये यहाँ पे एक टेम्परेरी सिचुएशन है, हंग्री है, ये परमानेंट नहीं है। तो इन तमाम पॉइंट्स, तमाम बिंदुओं जो एडजेक्टिव में हैं, इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो पूरा देखने पे आप एडजेक्टिव के बारे में कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। हम बात करते हैं आगे कि एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। एडजेक्टिव के टाइप्स हम टोटली 9 प्रकार के होते हैं। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव,
एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। अब हम अलग अलग से बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ये क्या है? ये जैसे नाम से सजेस्ट बता रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आर डिस्क्रिप्टिव। ये किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को उसको उसकी क्वालिटी बताता है, उसकी क्वालिटी बताता है, कोई चीज़ है, कोई पर्सन, कोई आदमी है, उसके बारे में बताता है। जब हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट काइंड ऑफ से, जब हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट काइंड ऑफ से, तो जो आंसर आएगा, आंसर जो आएगा वो आपका एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्वालिटी होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज होगा। जैसे क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स डू यू लाइक, आई लाइक क्लासिकल सॉन्ग्स। भाई क्वेश्चन है व्हाट काइंड से शुरू किया मैंने, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स डू यू लाइक, तो जब व्हाट काइंड ऑफ से शुरू करेंगे तो क्वेश्चन जो इसका आंसर जो आएगा वो आई लाइक क्लासिकल सॉन्ग्स। और दूसरे एग्जांपल देखते हैं, इट इज़ अ हैवी स्टोन। हैवी यहाँ पे एडजेक्टिव है जो क्वालिटी को बता रहा है, स्टोन की, स्टोन एक थिंग है, एक वस्तु है, इसकी क्वालिटी शो कर रहा है। देन लूसी वॉज अनदर एग्जाम्पल, लूसी वॉज वाइट बिच। वाइट यहाँ पे एक क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव है। दूसरा आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स आपका मात्रा। ये क्या बताता है? टेलस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी बताता है। हम जब किसी पे किसी भी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करते, क्वेश्चन में करने का जो पहला वर्ड्स होगा हाउ मच से होगा, हाउ मच से जब क्वेश्चन करेंगे। और ये जनरली अनकाउंटेबल नाउंस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड। क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड, इसका आंसर आएगा आई स्पेंट नो मनी। यहाँ हाउ मच मीन्स आपका ये क्वेश्चन बता रहा है और इसका जो आंसर आ रहा है नो जो है ये आपका क्वांटिटी शो कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सी लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ऑल यहाँ पे क्वांटिटी शो कर रहा है। दूसरा एग्जांपल है यू हैव लिटिल इंटेलिजेंस। देन तीसरा आपका एग्जांपल, तीसरा जो टाइप है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इसकी ये क्या बताता है? ये शो करता है हाउ मेनी पर्सन्स थिंक्स, एक संख्या के बारे में बोध बताता है कि कितने लोग हैं, कितनी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का क्या क्रम है, ऑर्डर क्या है, किस ऑर्डर में इनको रखा गया है, किस ऑर्डर में आदमियों को रखा गया है, ये उस चीज़ों के बारे में एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स बताता है। इस तरह के एडजेक्टिव को पता करने के लिए हम हाउ मेनी का क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी से पता करते हैं, हाउ मेनी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ जर्नी जनवरी, हाउ मेनी डेज आर देयर इन जनवरी, तो आंसर होगा देयर आर 31 डेज इन जनवरी। हाउ मेनी से हम पता कर रहे हैं और इसका जो आंसर आएगा ये 31 डेज है, 31 नंबर हो गया। देन अगेन आ रहा है दूसरा एग्जांपल, संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, फर्स्ट यहाँ पे फिर आपका एक नंबर हो रहा है। एंड दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल, सी हैज़ हेल्प यू मेनी टाइम, तो मेनी जो होगा यहाँ पे ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर के एग्जांपल है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम दो सब डिविज़न में किया गया है, पहला है डेफिनिट और दूसरा है इनडेफिनिट। डेफिनिट क्या है? डेफिनिट पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग्स, स्पेसिफिक जो निश्चित चीज़ है उसके बारे में बताता है, जैसे 1, 2, 3 एक्सेट्रा। और फिर डेफिनिट को हमने फिर दो भागों में बांटा, अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, द वन इज़ कार्डिनल एंड द वन इज़ ऑर्डिनल। कार्डिनल मीन्स जहाँ हम नंबर्स की बात करते हैं, संख्या की बात करते हैं,
वन नंबर, टू नंबर, थ्री नंबर, फोर नंबर एंड सो ऑन। दूसरा जो है ऑर्डिनल नंबर्स है, ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डर से है, क्रम से है कि किसी भी नंबर का क्रम क्या है, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एक्सेट्रा। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है वो है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मीन्स ये इट डज नॉट पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग्स, इसमें स्पेसिफिक वाली बात नहीं है। जैसे नो, नो मीन्स कि पता नहीं, कितना मतलब नहीं, कितना नहीं। एनी, एनी मीन्स इसका जो लिमिटेशंस नहीं, इसका दायरा फिक्स नहीं है। मेनी, मेनी में भी हम वी कैन नॉट काउंट कि कितना है, कि 10 है, कि 20 है, कि 50 है, बट इट इज़ अ मेनी। फ्यू एंड सेवरल एट्सेट्रा। अगला जो पार्ट है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स डिमॉन्स्ट्रेशन से रिलेटेड है। इसको हम लेते हैं कि कोई चीज़ कैसे हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं, इंगित करते हैं, सूचित करते हैं कि ये नाउन को या पर्सन को। हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से पहले हम क्वेश्चन अगर हम डालेंगे तो उसका क्वेश्चन करेंगे विच से करेंगे, विच, विच से करते हैं और जो आंसर आता है वो इस तरह से होगा, विच एक्ट्स यू लाइक, विच एक्ट्स यू लाइक। आंसर है आई डोंट लाइक सच एक्ट्स। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो है दिस, दैट, ये सिंगुलर है, इसका जो प्लूरल हो जाएगा दीज, दैट एंड सच। ये जो वर्ड्स हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में यूज होते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दिस इज अ मार्कर। यहाँ दिस जो है फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दीज आर गुड गर्ल्स, तो दीज जो है यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगला पार्ट देखते हैं वो पॉसेसिव एडजेक्टिव है। पॉसेसिव मीन्स यहाँ पोजेशन से मतलब होता है, यहाँ स्वामित्व से मतलब होता है, ओनर से मतलब होता है, रिलेशन से मतलब होता है। ये बताता है कि ये वस्तु किसकी है, किससे संबंध रखता है, ये इट ओन्स बाय हूम। ऐसे एडजेक्टिव को जब हम क्वेश्चन करेंगे हुज से क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। इसमें क्या क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, माई, योर, आर, हर, इट्स, देयर, हिज। क्वेश्चन देखते हैं, हुज पेन इज दिस, क्वेश्चन किया गया हुज पेन इज दिस। तो हुज जो वर्ड है यहाँ पे आपका क्वेश्चनिंग वर्ड्स है, इसका जो आंसर होगा इट्स माई पेन। आगे मैं फिर से बोल रहा हूँ, हुज पेन इज दिस, आंसर इज इट्स माई पेन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, शी कॉल्ड हर मदर। हर यहाँ पे फिर आपका एग्जाम्पल वो दिखा रहा है कि ये पोजेशन दिखा रहा है किसका है। शी कॉल्ड हर मदर, वह अपनी माता को बुलाई, अपनी माता, अपनी मीन्स यहाँ पे रिलेशन दिखा रहा है, किसकी माता को, अपनी माता को। दे ब्रोक हिज टॉय, वे लोग उसके खिलौने को तोड़ दिया, किसके खिलौने की, उसके। तो रिलेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, हिज टॉय वॉज ब्रोकन बाई देम। अगला हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हम अलग से, इसका मतलब होता है हिंदी में अलग से होता है, पृथक बात करते हैं हम। इट रेफर्स टू ईच वन ऑफ अ नंबर। जब हम संख्या की बात करते हैं तो संख्या में अलग अलग एक की बात करते हैं हम। यहाँ पे ये चीज़ पता चलता है, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। नाइदर एक नेगेटिव वर्ड्स है, ईच, एवरी, आइदर। ईच गर्ल, जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ईच गर्ल्स मस्ट राइट नोट्स। ईच यहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आइदर बुक विल सॉल्व माय प्रॉब्लम। आइदर यहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल है। नाइदर साइड वॉज सेफ, नाइदर यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल हुआ। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम,
इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मीन्स कि क्वेश्चन वाला एडजेक्टिव, ऐसे वो ऐसे एडजेक्टिव जो क्वेश्चनिंग नेचर के होते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हम इस कैटेगरी में लाते हैं, उसको बोलते हैं दीज आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस विद नाउन। ये क्वेश्चन जो होगा वो नाउन के साथ ही होगा, यहाँ पे ध्यान देने की देने वाली बात है। कैसे हम करेंगे, किन किन वर्ड्स के साथ करेंगे, व्हाट, विच एंड हूज, व्हेन एट्सेट्रा। एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे, व्हाट बुक आर यू रीडिंग, आप कौन सी किताब पढ़ रही हैं, आप व्हाट बुक आर यू रीडिंग, बुक यहाँ पे नाउन है, व्हाट यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, हुज पेन इज दिस, हुज फोन इज दिस, फोन यहाँ पे नाउन है, हुज जो है यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव मीन्स प्रॉपर का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर पर्सन, एक व्यक्तिवाचक हो, स्पेसिफिक पर्सन जो होगा या प्लेस के बारे में होगा या लैंग्वेज के बारे में होगा, वो इस एडजेक्टिव के कैटेगरी में आता है। इट इज़ ऑलवेज रिटन इन द कैपिटल लेटर, ये बड़े कैपिटल फॉन्ट में लिखा जाता है जब हम इसको लिखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही डाइड ऑफ कोरोना, आजकल कोरोना की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ है, एंड दिस हैज़ बिकम अ पैंडेमिक ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, सो इट इज़ रेलिवेंट टू मेंशन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस। आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो भी प्रिकॉशन दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, WHO की तरफ से, उसको फॉलो करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, यू आर प्रीशियस फॉर योर फैमिली, यू आर प्रीशियस फॉर सोसाइटी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ही डाइड ऑफ कोरोना, कोरोना यहाँ पे एक प्रॉपर एडजेक्टिव है, कोरोना को हमने कैपिटल किया है। पीटर इज़ एन इटालियन फुटबॉलर, इटालियन एक प्रॉपर एडजेक्टिव है, उसको हमने कैपिटल में डाला है। अगला जो टाइप है वो है इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, दीज आर यूज्ड टू इम्फेसाइज, इम्फेसाइज मीन्स वहाँ पे बल देते हैं, वहाँ पे प्रेशर देते हैं, वहाँ पे स्ट्रेस देते हैं। इम्फेसाइजिंग द स्टेटमेंट्स, किसी भी स्टेटमेंट जो वाक्य कथन होता है उस पर हम प्रेशर, स्ट्रेस दिया जाता है, उसको हम इस कैटेगरी में उस एडजेक्टिव कहते हैं। स्टेटमेंट को ये इम्फेसाइज करता है, उस पर बल देता है, या नाउन पे इम्फेसाइज करेगा, उस पर कैसे करेगा, कौन कौन से वर्ड होते हैं, ओन, वेरी, सेम, वेरी सेम। एग्जांपल, माइंड योर ओन बिजनेस, ओन मीन्स यहाँ पे ओन जो है यहाँ इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। दिस इज़ वेरी मैन हु वॉज डिस्टर्बिंग अस, वेरी यहाँ पे फिर यह वही आदमी है, ये वही आदमी, वही मीन्स यहाँ पे स्ट्रेस दिया रहा है कि ये वही आदमी है जो हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहा था। दिस इज़ द वेरी पर्सन हु वॉज डिस्टर्बिंग अस। अगला है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेशन से आप सब जानते हैं एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, सडन जो फीलिंग्स आती हैं माइंड में किसी स्टिमुलस के साथ, उसको हम एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। इसको ऐसे एडजेक्टिव को हम व्हाट से बोलते हैं, व्हाट लगा के हम बात करेंगे, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ गेम, व्हाट अ जीनियस। तो जो यहाँ व्हाट 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 यूज़ किया गया है, दैट ऑल एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जो एक्सक्लेमेशन को शो करे। मुझे इस वीडियो का कुछ पार्ट डिवीज़न ऑफ एडजेक्टिव, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव अभी बचा हुआ, अगले वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप एडजेक्टिव के बारे में जो भी डाउट्स या कन्फ्यूज़न आपके आप में था, वो काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू, जय हिंद।